हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से लगातार हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं, तो आज भी हम इंटीग्रेशन के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन टॉपिक लेकर आए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टू डायमेंशनल कर्व को जब उसको रिवॉल्व किया जाता है अर्थात रिवॉल्यूशन किया जाता है, तो वो जो है हमें 3D दिखता है, 3D में दिखता है। इसीलिए हमें जो है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो हम जो है सबसे पहले हम उसके फंडा को समझेंगे अर्थात फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन में हमें क्या क्या फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने जो है फार्मूला को लिख के रखा है, ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या है। तो आपके पास जो है दो केस बनता है। मान लीजिए पहला केस क्या है, इफ़ ए कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स बी रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। समझिएगा ध्यान से, अगर ये दो लाइन अगर समझ गए तो पूरा जो है आज का वीडियो लेक्चर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए एक जो है कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स जो है एक कर्व है, ठीक है। और उसका लिमिट जो है मान लीजिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, ये आपका दिया हुआ है। y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। अब जो है इसको हम जो है, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया और ये जो है आपका y एक्सिस हो गया, ठीक। तो सबसे पहले लाइन को समझ लें, इफ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, अगर इस कर्व को अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स को एक्स एक्सिस के अबाउट में अगर हम रिवॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो y इक्वल टू एफ एक्स है उसको किस एक्सिस के अबाउट में हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स को हम जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपका फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू, तो वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा पाई लिमिट चढ़ जाएगा a से b y स्क्वायर dx, ठीक है। पाई y स्क्वायर dx लिमिट क्या रहेगा a से b, अर्थात ये जो आपका लिमिट है ये, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली इफ़ ए कर्व x इक्वल टू g ऑफ y, मान लीजिए आपके पास एक कर्व है x इक्वल टू g ऑफ y का एक कर्व है, ठीक है, और उसका जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है लिमिट का आपका y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक, ठीक है, लिमिट है y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक, और जो है हम इसको जो है रिवॉल्व कर रहे हैं y एक्सिस के, ठीक है। पिछला में हम किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे थे, तो x एक्सिस में, अभी जो है हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं y एक्सिस के। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला आपका हो जाएगा वॉल्यूम का पाई इंटीग्रेशन सी से डी तक एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दो फार्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो है सबसे पहले तो आपको समझना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन का मतलब, जब किसी कर्व को अर्थात 2D कर्व को जब उसको हम रिवॉल्व करेंगे, तो वो जो है हमें 3D दिखता है, ठीक है, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप उसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस में हमने जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रहे थे, एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रहे थे, और फंक्शन आपका था वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो उस केस में जो है आपका फार्मूला क्या बनता है वॉल्यूम का, पाई लिमिट ए से बी वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। दूसरा केस में क्या है, आपका फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई है, उसको जो है हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब वाई एक्सिस के अबाउट में जब रोटेट कीजिएगा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा पाई लिमिट चढ़ जाएगा c से d तक एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको करना है इस तरह से, यानी कि ये दो फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं, उस समय जो है आपको जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस r। तो हमें जो है स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस r है। तो बोलिएगा सर, हमको तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर पता है, रेडियस r रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि 4/3 होता है और पाई आर क्यू होता है, ठीक है, आपको पता है यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस आर रहेगा तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है, हमको पता है, लेकिन हम जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन के द्वारा। तो देखिए,
सबसे पहले जो है हमें जो है स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको जो है थोड़ा सा जो है आपको हम समझा दें, उसके बाद हम क्वेश्चन में ले जाएंगे। स्फीयर आपको कब दिखेगा, जब सर्कल को अगर आप रिवॉल्व कीजिएगा तो आपको स्फीयर दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सर्कल या सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि सर्कल को अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो आधा ही ना होगा, इसलिए हम सेमी सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप सेमी सर्कल को अगर आप रिवॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है स्फीयर दिखने वाला है, ठीक है, करके देख सकते हैं। इसको अगर आप रिवॉल्व कीजिएगा तो कैसा दिखेगा, स्फीयर दिखेगा। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन जरूर दिया है स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है सर्कल का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है जरूर छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारा चीज छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपको जो है वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जिसका सेंटर जो है 0 0 है। अगर जिसका सेंटर जो है 0 0 रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो है सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है इक्वेशन पता हो गया, तो इसको जो है हम जो है एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने जा रहे हैं। यानी कि आपको जो है सबसे पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला कौन सा बनेगा, हमने जो है दो फार्मूला बताया था, एक एक्स एक्सिस के अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे तब का फार्मूला होगा, एक वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करेंगे तब क्या फार्मूला होगा। तो फिलहाल हम एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करने जा रहे हैं, तो फार्मूला होगा वॉल्यूम का इंटीग्रेशन पाई, ठीक है, ए से बी तक वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये पहला फार्मूला बनेगा। तो यहां पर देखिए हमें जो है लिमिट पता करना है ए का और बी का। तो देखिएगा, अगर हम केवल वन पार्ट का अगर हम जो है वॉल्यूम निकाल दें तो क्या दूसरा पार्ट का निकालने के लिए हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, कन्फर्म है ना। एक पार्ट का अगर हम निकाल लें तो दूसरा का आराम से निकल जाएगा, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका लिमिट है जीरो से, यहाँ पर जो है आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये रेडियस है ना, तो यहाँ आर हो जाएगा। तो लिमिट आपको पता हो गया जीरो से आर, लिमिट पता हो गया जीरो से आर। अब हमें वाई स्क्वायर अर्थात फंक्शन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ से हम पूछे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये पता हो गया, लिमिट क्या होगा, तो जीरो से आर हो जाएगा, जीरो से आर हो जाएगा, उसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो सेमी सर्कल निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पक्का है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू इंटू पाई हो जाएगा। लिमिट क्या लेते हैं, तो जीरो से आर ले लेते हैं, और फंक्शन क्या है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और डी एक्स हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, उसके बाद तो सारा प्रोसेस सेम है जो पहले आप करते थे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बस यहीं से ख़त्म हो गया, ठीक है, बाकी सारा सेम मेथड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है भी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई, इसका जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, लिमिट हो जाएगा जीरो से आर। अब हम क्या करेंगे, भी इक्वल टू टू पाई लिमिट को चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आर का क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। लोअर लिमिट तो जीरो है, तो जीरो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को हम क्लोज कर देते हैं। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए टू पाई, टू पाई देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा थ्री आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि थ्री आर क्यूब में से एक आर क्यूब जाएगा तो टू आर क्यूब बचेगा, 2r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बचने वाला है आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है, देखिए हमने जो है फार्मूला को ले आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जो है कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बाय रिवॉल्विंग द सेमी सर्कल हैविंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 अबाउट एक्स एक्सिस। देखिएगा
पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन में भी स्फीयर का ही हमें वॉल्यूम निकालना था, दूसरा क्वेश्चन में भी हमें स्फीयर का ही वॉल्यूम निकालना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया था कि जब आप जो है सेमी सर्कल को रिवॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है स्फीयर दिखेगा। मतलब कि क्वेश्चन वाला आपको बता दिया है कि जब आप सेमी सर्कल को रिवॉल्व कीजिएगा ना तो आपको स्फीयर दिखेगा। तो आप क्या कीजिए कि सेमी सर्कल का हम आपको इक्वेशन दे देते हैं और बता भी दे रहे हैं कि सेमी सर्कल को रिवॉल्व कीजिए तो स्फीयर दिखेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय रिवॉल्विंग द सेमी सर्कल हैविंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 अबाउट द एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि सबसे पहले तो सेमी सर्कल को रिवॉल्व करना है, यानी सेमी सर्कल को बना दीजिए। ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया। इसका इक्वेशन क्या दिया है? तो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसका सेंटर जो है 0, 0 हो, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा सर्कल का? तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब हम पूछे कि आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू तो 4 होगा। ठीक है, इतना तो सबको जानते हैं, यानी कि ये कितना हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, आपका रेडियस जो है 4 हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो है किस एक्सिस में हम जो है रिवॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में रिवॉल्व करने जा रहे हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, केवल डेटा का फर्क है, बाकी सारा जो है सेम है। पहला क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था कि आप जो है सेमी सर्कल को रिवॉल्व कीजिए, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है। ठीक है, यानी कि जो है आप देखिए इसको जो है हमें पूरा का जो है वॉल्यूम निकालना है, तो पूरा का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहेंगे तो आधा पार्ट का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी किसी बच्चा का मन होगा कि पूरा एक ही बार निकालेंगे, दोनों बतिया एक ही है। ठीक है, तो हम आधा का निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि लिमिट क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ 4 है, यानी कि 0 से 4। ठीक है, तो सबसे पहले जब एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करते हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई ए से लेके बी तक वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, पहला नंबर फार्मूला हमने ये बताया था। यानी कि यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वॉल्यूम इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 4, 0 से 4 ले लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 4 ले लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। देखिए तो वही तो क्वेश्चन है, बराबर कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, आपका हो गया 16x माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, लिमिट चाह जाएगा 0 से 4 तक। ठीक है, तो भी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस ये हो जाएगा 4 चौके 16 16 चौके 64 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट तो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 0 है वो तो बेचारा खुद 0 है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 64 गुने यानी कि इसको कर ना दीजिए, तो भी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 तिया तो 4 तिया 12 6 तिया 18, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 × 64 हो जाएगा, 2 × 64 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 बनेगा ना तो ये घटेगा, तो 2 × 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो आपका हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी इक्वल टू 2 पाई, यानी कि आपका फाइनल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4 और 64 × 4 = 16 6 × 24 1 = 25, यानी कि आपका हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 3 × π 256 / 3 × π। तो यही तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो कितना आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 अबाउट द एक्स एक्सिस। देखिए एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, तो एलिप्स का इक्वेशन होता है आपको पता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
सबसे पहले आप डायग्राम को समझिए, ठीक है, एलिप्स का आप डायग्राम को समझिए, यानी कि जो है आपको जो है एलिप्स जो है ये आपका एलिप्स है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझना जरूरी है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जो है इसका इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन को भी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। देखिएगा पॉइंट को समझिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू जीरो, यहाँ पर जो है क्या होगा तो एक्स का वैल्यू माइनस ए और जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा तो एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू माइनस बी, यहाँ पर क्या होता है यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू जो है पॉजिटिव में हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वो आपको समझना जरूरी है, तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करने जा रहे हैं, यानी कि जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहे हैं तो लिमिट क्या होगा, तो माइनस ए से अर्थात माइनस ए से हो जाएगा ए तक, ठीक है, माइनस ए से ए तक। आपको लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है, लिमिट अगर नहीं समझेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, यानी कि माइनस ए से ए तक आपको लिमिट लेना है। दूसरी बात, आपको जो है फंक्शन निकालना पड़ेगा अर्थात वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है फोर है यानी कि टू का स्क्वायर इक्वल टू वन, क्योंकि जनरल जो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एलिप्स का यही होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें जो है वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है नाइन माइनस नाइन लिखिए, चाहे तो थ्री का स्क्वायर ही लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर, ये हो गया आपका जब हम एलसीएम लेंगे तब, और डिवाइडेड बाई क्या है टू का स्क्वायर है। अभी हम पूछें कि केवल जो है हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार, और ये वाला जो तीन का स्क्वायर है नाइन को हम बाहर रख देते हैं, आपका फंक्शन बन गया एक थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हमें फंक्शन भी मिल गया, लिमिट भी मिल गया, अब जो है किसके अबाउट रोटेट करने जा रहे हैं वो भी पता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट चाहिए तो लिमिट क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर देखिएगा ए से प्लस ए तक, तो ए का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि थ्री है, तो माइनस थ्री से थ्री तक लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हम जो है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन माइनस थ्री से थ्री तक। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो चार बटा में नौ, यानी कि इसको हम बाहर लिख देते हैं फोर बाई नाइन पाई, फंक्शन हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये जो है इवन फंक्शन है, यानी कि इसको हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो भी इक्वल टू चार दूना आठ डिवाइडेड बाई नाइन पाई, और ये हो जाएगा जीरो से तीन थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा लास्ट हम जो है स्टेप लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका भी इक्वल टू एट बाई नाइन पाई, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, लिमिट है जीरो से तीन, तो भी इक्वल टू हो जाएगा एट बाई नाइन पाई, ये हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस थ्री का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भी इक्वल टू एट बाई नाइन पाई हो गया, तीन का क्यूब यानी कि तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, और सत्ताईस गुने तीन तो सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी माइनस सत्ताईस, ठीक है कर लीजिएगा, ठीक है हम कर देते हैं, ये कितना हो गया तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी माइनस तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। तो इक्यासी में से सत्ताईस जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको जो है कहाँ पर लिखें, तो देखिए यहीं पर जो है हम फाइनल आंसर कर देते हैं,
भी इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो 16 पाई आएगा, ठीक है। जब इसको आप कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा इसको, तो आपका 16 पाई आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह से जो है एलिप्स का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन बाय रिवॉल्विंग द एरिया अंडर द 9x² - 9y² = 36 एक्स एक्सिस द इंटरवल फ्रॉम x = 2 से x = 4 अबाउट द एक्स एक्सिस। हम जो रिवॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्स एक्सिस में रिवॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि पहला नंबर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो इक्वेशन दिया है आपका 9x² - 4y² = 36, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² / 4 - y² / 9 = 1। कुछ नहीं किए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 9 9 4 36 होगा, 36 जो है इधर आ जाएगा, 9 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर से वही इक्वेशन बन जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं किए हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है हम इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है x = 2, तो यहाँ पर जो 0 0 होता है, ठीक है, x = 2 का लाइन ये वाला हो गया, x = 2 का लाइन ये वाला हो गया। यानी कि आप जो है इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और x = 4 का जो है ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो x = 2 x = 4, अब जो है इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो वही दिखेगा, सेम चीज़ दिखने वाला, कोई नया चीज़ नहीं दिखेगा। उसको अगर इस तरह से कीजिएगा तो वही दिखेगा ना, यानी कि इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो लिमिट तो हमें पता है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, 2 से 4 तक हमें लिमिट पता है। तो हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको केवल यहाँ से y का वैल्यू निकाल देना है, यानी कि y² / 9 = हो जाएगा x² / 4 - 1, यानी कि y² = x² - 4/4, ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका फंक्शन भी निकल गया। y² = क्या हो गया, 9/4, ठीक है, आपका हो गया x² - 4, ठीक है। तो इसको हम x² - 2 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू पाई, आपका लिमिट क्या है 2 से 4, ठीक है, y² dx। तो y² का वैल्यू क्या है, तो आपका हो जाएगा पाई 0 से 4, 9/4 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि 9/4 पाई हो गया x² - 2 का स्क्वायर dx। कोई डाउट है, नहीं ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा v = 9π/4, आपका जो है ये हो जाएगा x³/3 - ये 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा, और लिमिट चला जाएगा 2 से 4 तक। यानी कि आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले दो, यानी कि v = क्या हो जाएगा 9π/4, लिमिट चढ़ाते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 1/3 को बाहर रख दीजिए, 64 हो गया, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ पर हो गया माइनस, इसको करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा, ठीक है, 8/3। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि आप जब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, तो v = देखिए 64/3 - 8/3, ये एक जगह हो गया, यानी कि आपका हो गया 9π/4 64/3, उसके बाद -8/3, उसके बाद आपका क्या हो गया -16 + 8, यानी कि -8 हो गया, तो -8 कर दीजिए, यानी कि आपका हो गया v = 9π/4, ठीक है, 3 LCM होगा, 64 - 8 - 24, ठीक है, तो 8 और 24 कितना हो गया 32 32 - 64, यानी कि 32 फिर हो गया, तो 32/3, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा v = क्या होगा 9π/4 * 32/3, ठीक है। तो आपका जो है कट जाएगा, तो 8 चौके 32, 3 से कट गया, 3 3 9, यानी कि v = 8 चौक 8
तिया 24, ये पाई पाई हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखें ना, इस तरह से जो है हम किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर ला सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर दीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।